दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों UG एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है और यह अपडेट सारे यहाँ पर एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की कोई भी अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होती है तो आप सभी के एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाने वाले हैं। दोस्तों इन चीज़ों को लेकर आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण सा से यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि NTA द्वारा आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाना है आपको इसके नेशनल टेस्टिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि अभी से कुछ देरी पहले यहाँ पर आप सभी के लिए एक अपडेट आया है, यानी कि UG के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को अपनी इमेज करेक्शन को लेकर एक अपडेट आया है, जिसमें कि यह बताया गया है कि अगर नीट UG के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अगर उनकी फ़ोटो ब्लर है या कुछ भी ऐसी इसमें डिफ़ॉल्ट है तो दोस्तों आप उसे ईज़िली करेक्ट कर लें, और साथ ही दोस्तों अगर नहीं भी है तो आप इसे ईज़िली चेक कर लें। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें कि दोस्तों आप यहां पर एप्लीकेशन नंबर डालकर साथ ही दोस्तों अपने पासवर्ड डालकर जो आप सभी की एरर है वो यहां पर पता चल जाएगी। साथ ही यहां पर आप सभी का फ़ोटो शो होगा जिसके अंदर तीन गाइडलाइंस होंगी। अगर तीनों गाइडलाइंस में किसी भी करेक्शन की ऑप्शन पर एडिट की ऑप्शन आती है तो वहाँ से आप सभी को एडिट कर लेना है और अपनी जो पिक है उसे यहाँ पर री अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है और हर एक एस्पिरेंट्स को यह करना है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी एस्पिरेंट्स ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि जो उनकी एडमिट कार्ड है वो उन तक ना पहुँच सके या उनकी अपलोड ना हो सके। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से अपडेट कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।